I've fallen in love with I love. I love you. Del bole, wow. आईपीसी सेक्शन 366 के मुताबिक एक लड़की को किडनैप करना या शादी के लिए जबरदस्ती करना बहुत बड़ा क्राइम है, समझे बच्चों? हीरो समझता है क्या? दिमाग का दही मत कर। जब शहर के हर ऑटो के पीछे और सिनेमा हॉल के सामने मेरा फोटो दिखेगा तो समझ जाएगा मैं कौन हूँ। बहुत है कोई डायलॉग बाजी, चल जाके खत्म कर दे इसको। कुंवारी लड़की को उठाओगे तो सिर्फ लड़की वाले ही मारेंगे, और अगर शादी के मंडप से उठाओगे तो लड़की वालों के साथ साथ लड़के वाले भी तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। धारा 506 धमकाने के लिए, धारा 460 चीटिंग के लिए, और धारा 120 भी ऐसे क्राइम के लिए, सब एक साथ लग जाएंगे। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने लड़की और लड़के दोनों के घर वालों को धमकाया, उन्हें मारा भी, पर तुमने भी तो कानून को अपने हाथ में ले लिया है भाई, तुम्हें कौन सी धारा लगेगी बताओ। एकदम करेक्ट सवाल, लेकिन जब हीरो मारता है ना तो कोई धारा नहीं लगती। हेलो, मेरी दुल्हन मिल गई? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ है वो, कैसी है वो? अबे घनचक्कर, टेंशन छोड़ यार, आधे घंटे में तेरी दुल्हनिया तेरे पास पहुंच जाएगी, पहले जरा डील तो कर लें। हाँ? डील? अबे दोस्ती में डील कैसी, और वो भी अपने लंगोटिया यार से।
कितने में खरीदा है इसे? हेलो, अबे कहाँ गायब हो गया? साले को दहेज कितना मिलेगा? 4 लाख और एक कार। हेलो, साला इस लल्लू को दहेज में गाड़ी मिल रही है फिर भी मुझे पैसे देने में रो रहा है। अभी तो जितना सोचा था उससे ज्यादा मांगूंगा। अब हेलो सुन, मान लिया कि सारी मलाई तू अकेला खा जाएगा, पर बचे खुचे माल पर तो मेरा भी हक बनता है ना। चुपचाप 4 लाख में से 50,000 मेरे अकाउंट में डाल दे। अरे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली तुझे? देख फालतू बात मत कर, तुझे 50,000 प्यारे है या फिर अपनी दुल्हनिया? मुझे बस लड़की चाहिए। तो आधे घंटे में जैन मंदिर के सामने पैसे लेके आ जा। ओके। अपन का तो एक ही उसूल है, दोस्ती हो या फिर कोई और रिश्ता, पैसों के आगे कुछ नहीं टिकता। तुम जरा पीछे ही रहो, पहले हम जरा बात तो कर लें। जरा देख तो इसे, दुल्हन के कपड़ों की इस्त्री भी नहीं उतरी, इतना संभाल के लाया हूँ इसे। तुमने तो आज हनुमान बन के मेरी सीता को बचा लिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा। और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी माँ के नाम पर रखूंगा। देख भाई, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, इस विकी को सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। वो सब छोड़, तुझसे चलना, जल्दी से माल निकालना। अरे वाह, साले ने अपनी औकात दिखाई दी। 3,000 कम है इसमें। अरे नहीं यार, पूरे पैसे हैं। अबे ये बात है तो लगा 30,000 की शर्त। अरे बाप रे, तुझसे चालाकी करना मतलब अपनी बैंड बजवाना। अरे तू जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। पर बिना देखे पता कैसे चल गया? तू इंसान है या फिर कोई स्कैनिंग मशीन है भाई? अबे मारवाड़ी, भाभी के आने की खुशी में पार्टी देगा ना? यहाँ मेरी जेब लूट गई और तुझे पार्टी की पड़ी है? कल घोड़ी पे बैठ के बारात लेके आ जाना। सिस्टर सही कहा ना? हाँ, घोड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। सीखो कुछ दुल्हन से। शादी होने के बाद ना बड़े प्यार से रहना और हंसी खुशी अपनी फैमिली शुरू करना। चल तुझे घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार करता हूँ, 2 मिनट। जाओ सिस्टर जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, जाओ, हम इसको तैयार करके कल ले आएंगे। ठीक है, जाओ जाओ, आप जाओ। अरे सालों कुत्तो, मेरी होने वाली दुल्हन से बात तो कर रहे हो एक बार? एक तो तू शादी करके सबसे पहले शहीद होने जा रहा है और तू चाहता है कि हम इस बर्बादी में तेरा साथ दे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इतना ही खुश है तो पहले हमें पार्टी दे। चल भाभी भाभी, ये दरवाजे पे ग्रिल किसने लगा दी? ये खोल क्यों नहीं रहा है? ओए अरे भैया आप, अरे दरवाजा खोलिए ना, खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? भगवान, दरवाजा शिफ्ट कर दिया क्या? तूने इतनी पी ली है कि दरवाजे और खिड़की में फर्क ही भूल गया क्या? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? कितना भी समझाऊं तुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो भी, शुक्र मनाओ कि शराब पी के भी घर तो लौट आता है, कहीं और जाता तो कहां ढूंढते फिरते इसे। अंदर आ जाओ। ये हार फूल अंदर फेस्टिवल है क्या? अरे चलो चलकर खाना खा लो। एक मिनट, चाटते रहते हैं, कितनी शराब पिताई। अरे ये क्या कर रहे हो? देखा आपने, मैंने टब में से पानी निकाल के पिया है, शराब नहीं पी। अब मान गए ना कि मैं सही हूँ? मेरे भाई ये कोई टब नहीं है, मतलब एक्वेरियम है। मैं कमरे में जाता हूँ, उसे तो शिफ्ट नहीं किया ना। तेरी उम्र के सारे लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बन गए और तू शराबी बन गया है। आपकी उम्र के लोगों ने कार शोरूम बना ली है लेकिन आप अब तक अपना वो पुराना गैरेज लेके बैठे हैं। इस बात को लेके मैंने कुछ कहा आपसे? सुनिए, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी शादी करवा देते हैं, अपने आप सीख जाएगा। हाँ, इसके साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा। आप लड़की देखना शुरू कर दो, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ के जाना है। गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी। ओए ओए ओए, रुक, भिखारी कहीं के कहां चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब, कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूंगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? अबे कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से चले आते। मेरा आईडी तू
मजे से मैम, अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा, देखा देखा, अब तो समझ जा, इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है। जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा, मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग, जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझे, चल भाग, वहां जाके बैठ जा। इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकल कर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया। अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ हैं, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। अरे ड्यूटी की तो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। नॉनसेंस, उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे टैलेंट की पहचान ही नहीं है। भिखारी बनने में क्या टैलेंट सर? दोस्तों, मैं आपके बीच रहने वाला एक आम इंसान हूँ। ये गई जगह पर। आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। इस देश में जहां 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहाँ के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेश में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। नमस्कार। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई ऐसा नहीं करता सर, और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी मांगा। ये तो मुझे ही लपेट रहे। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है सर। ये नैना किधर है? उसने कहा था ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाने वाली है। लंच टाइम हो गया और अभी तक उसी का आता पता नहीं, कहां पर खो गई है? जाओ पता लगाओ उसका। रुक रुक रुक, मुकुंड ने मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद करो। दूंगा पर 1000 रुपए लूंगा। हाँ दे दूंगी, चलो तो सही। आज तक कोई काम फ्री में नहीं किया। वैसे वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो चिकन और मटन में डॉग का मीट मिला रहे थे और मैंने वो शूट कर लिया इसीलिए। ओह, ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में तुम खुद ब्रेक हो जाती तब पता चलता। और सुनो, लोगों को जो भी खाना है वो खाएंगे, तुम उन्हें कोई भी सच्चाई दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुक्र है कि तुम पकड़ी नहीं गई, वरना वो लोग तुम्हारा भी मटन बनाकर बेच डालते। हेलो, रुको रुको, एक बात याद रखो, जब कोई लड़की मदद मांगे ना तो बिना अपना फायदा देखे उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस वाला हो, मीडिया वाला हो या फिर वकील हो, कोई बिना पैसों के काम नहीं करता। चलो पैसा दे दो। चलो, उन गुंडों के हाथ लग जाती तब पता चलता कि फायदा उठाना किसे कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, चलो अब निकलो यहाँ से। अगली बार ना इस काम के 5000 दूंगा। अरे जा जा, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये प्रोग्राम बस आप ही के लिए बना है। एक तरफ चाइना प्लास्टिक राइस और एग बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही हम इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग चिकन और मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेच रहे हैं, वो भी 300 रुपए किलो में, पूरे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। सो
ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप मटन खा रहे हैं और उसको बड़े चाव से खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं और उसी में आप ही के पालतू कुत्ते का मटन हो। इसलिए अगली बार अपने प्लेट में का मटन अपने मुंह में डालने से पहले ये चेक कर लें कि आपका कुत्ता भौंक तो रहा है ना, और पड़ोसी का भी चेक कर लें कि वो भी भौंक कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे भाव भाव। मिस नैना, अगली बार अगर कोई कवर स्टोरी बनाओगे ना तो वो कुत्ते बिल्लियों पर नहीं इंसानों पर बनाना, फिर देखना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हिट हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, तो आपने इसे अपनी स्टोरी बताकर क्यों प्रेजेंट किया? एक नंबर के कसाई लग रहे हैं। सर आपने ये क्यों कहा कि ये स्टोरी आपने बनाई है जबकि सारी मेहनत तो नैना मैडम ने की है? अरे वो तो सिर्फ न्यूज बनाती है, और तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे सीरियस सेंसेशनल बनाता हूँ। क्या समझे? वो सीट देख रहे हो वहां पर बैठ के टीआरपी बढ़ानी पड़ती है। तुम जाओ अभी जो स्टोरी रिकॉर्ड किया ना उसे एडिट करके मुझे दिखाओ। अब एडिट करके क्या फायदा सर? वो क्यों? ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम? अबे घोचू कहीं के, लाइव प्रोग्राम में तूने चैनल के टीआरपी सीक्रेट्स रिवील कर दिए? जा बंद कर उसे, जा। भूत तेरी। भैया ये घर है या महल? इस घर की छोड़ो, उस लड़की पर ध्यान दो। अगर बात बन गई तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। हाँ विकी, अगर यहाँ बात बन गई तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो थोड़ा ठीक से रहना। अंकल ये रोज वुड है ना? नहीं, टीक वुड है। कोई भी वुड हो अंकल, देखने में तो बड़ा ही कमाल का लग रहा है। ये सब पैसे का कमाल है बेटा। इस घर को बनाने के लिए मैंने चेन्नई से स्पेशल कारीगर बुलवाए थे, चिकमंगलूर और केरला से पेड़ मंगवाए। ये सारा काम करवाने में हमने 13 करोड़ के आसपास खर्च किए हैं। 13 करोड़? आपका भाई बहुत भाग्यशाली है, मेरी बेटी ने कई अमीर लड़कों को रिजेक्ट करके आपके भाई को चुना। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हम जैसे गरीबों को अपने लायक समझा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं भी गरीब ही था। 20 साल पहले इतनी बुरी हालत थी कि मैं किराया भी नहीं दे पाता था। फिर मैंने तंग आकर नौकरी ही छोड़ दी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया और फिर जन्म हुआ मेरी बेटी का, जिसके आते ही मेरी किस्मत खुल गई, मैं करोड़ों में खेलने लगा। ये सब उसी की वजह से हुआ। तो जब उसने आपके भाई की फोटो देखी तो कहने लगी इसी से शादी करूंगी। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? वो अंकल एक्चुअली मैं एक मेरे साथ गैराज में काम करता है और एक खुद का कार शोरूम खोलना चाहता है। शाबाश बेटा। वैसे मैंने तुम लोगों के बारे में पूछताछ की है, सबने यही कहा कि लोग अच्छे हैं, मेरे लिए इतना काफी है। बेबी को भेजो जरा। बेबी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम लोग चाहो तो एक दूसरे से अकेले में बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपस में बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है अंकल, अभी तो आपसे कुछ काम की बातें हो जाए। ये क्या बोल रहा है विकी? ठीक है जाओ, इसे अपना कमरा दिखाओ। एक्चुअली तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। जब मैं तिरुपति से आऊंगा तब देखना मेरा हेयर स्टाइल। मजाक अच्छा कर लेते हो, तभी तो तुम्हारी स्माइल देखने को मिलेगी। मेरी स्माइल में क्या है? इटालियन मार्बल। विकास तुम कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ सोच तो रहा हूँ। क्या इतने शानदार हॉल में इतना छोटा सा टीवी? ये कोई टीवी नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा है। ओह मुझे पता था, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ये क्या है? ये तो बेडरूम है। ओह सोने की जगह। ओह इतना बड़ा कमरा। तुम्हें पसंद आया? अरे कमाल का है। पता है अगर ये मेरा कमरा होता ना तो सेंटर में दीवार डालकर किराए पर चढ़ा देता। ये क्या है? अरे बाप रे इतना बड़ा वॉश बेसिन, बाथरूम के अंदर भी एक ग्लास हाउस। आहा कमाल का है, बेडरूम से बढ़िया तो बाथरूम है। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब नहीं, बाथरूम में भी कॉमेडी करते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ,
मैं तुम्हें कैसी लगी? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा घर हो तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। क्या मतलब? घर देखकर ही ये पता चल जाता है कि तुम कितने लाड़ प्यार से पली बढ़ी हो। कोई बेवकूफ ही तुम्हें रिजेक्ट करेगा और वो बेवकूफ मैं नहीं हूँ। विकास, तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। तो लगाती क्यों नहीं? आओ ना। नहीं, तुम्हारे डैड ने हम पे भरोसा करके अकेले में मिलने दिया है, उनका भरोसा तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे वाह, तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। I like you too, yes. अब जब लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अच्छा सा दिन देखकर इनकी सगाई भी कर देते हैं। जैसा आप कहें, अब हम चलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। चलो बाय। जाओ, उन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। ये क्या है भाई, ये फोन से ही चिपका हुआ है। जिसे देखने गया था वही लड़की है या फिर किसी और को पटा के आ गया? मुझे तो शक हो रहा है इस पे। वो क्या है ना, मैंने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने हाँ कहा तो मैं मंदिर में उनके लिए तेल चढ़ाऊंगा। दोस्तों के लिए? दोस्तों को मंदिर ले आऊंगा तेल चढ़ाने के लिए, ये कह रहा था मैं। कौन सा मंदिर? मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर मंदिर। अबे जल्दी आ, बार बंद हो जाए। पर मुझे तो बार सुनाई दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर में हम लोग बार बार आएंगे। इतनी देर तक तो कोई मंदिर खुला नहीं रहता। वो क्या है ना, सामने का दरवाजा तो बंद हो चुका है पर पुजारी ने बैक डोर से एंट्री करवा दी। पुजारी से मेरी अच्छी पहचान है। बैक डोर एंट्री? किससे बात कर रही है? सुनो, विकास डैडी। अपना विकास, जरा मेरी बात कराना। अरे बेटा विक्की, कैसे हो? तुम्हें एक गिफ्ट देना था मुझे। कौन सा ब्रांड पसंद है? ब्रांड तो कोई भी चलेगा ससुर जी, बस सोडा होना चाहिए। सोडा? मैं पूछ रहा हूँ कौन से ब्रांड की कार पसंद है और तुम बेटा सोडा की बात कर रहे हो। ससुर जी, मैंने सोडा कब बोला, स्कोडा। ओ, स्कोडा कार। ओके। पीने की लत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं ससुर जी, बल्कि मुझे देखकर तो मेरे दोस्तों ने भी पीना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कोई और बुरी लत तो नहीं है ना? भगवान की दया से अब तक तो मुझे कोई बुरी लत नहीं है, पर ये शराब पीने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ससुर जी। बॉटल से पढ़कर बोल रहे हो क्या बेटा? डैड, उसे डिनर पे बुलाइए ना। कल रात तुम्हें डिनर पर आना है बेटा। मटन बिरयानी, चिकन सूप वगैरह सब है मेन्यू में, खाएंगे और गप्पे मारेंगे। ठीक है? पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। पैसों से अमीर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दामाद दिल का राजा है, राजा। कुछ भी कहो दोस्तों, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बढ़िया ससुर मिलेगा। यार तू जब से आया है तू अपने ससुर के ही गुनगा रहा है। लड़की के बारे में भी कुछ बताना यार, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। पैसा किसने कमाया? किसने? ससुर जी ने। अच्छा, गाड़ियाँ किसने खरीदी? किसने खरीदी? ससुर जी ने। अच्छा। और इतना ही नहीं, लड़की को दुनिया में कौन लाया? ससुर जी। तो बताओ, मैं उनकी बात ना करूं तो किसकी करूं? अब समझ में आया वो कितने कमा रहे हैं। अपना हाथ दे। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया पैसों के दम पे चलती है, हम तुम जैसे लोग तो बस लड़खड़ा के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे संभल संभल के। अगर जरा सा भी रुक गए ना तो पीछे वाले धक्का देके आगे निकल जाएंगे और अपन मुंह लटका के देखेंगे। इसीलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, अब समझा? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। छोट, कब से दिमाग की दही कर रही है, बाहर निकाल। बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? हट जा यहाँ से लोफर। भाई इसकी ये हिम्मत, इसने तुम्हें लोफर बोला? तुम लोफर, तुम्हारा पति लोफर, तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा लोफर और छोटा बेटा छोटा लोफर। ये देख, पढ़ना नहीं आता है क्या? इस जगह पर हॉर्न बजाना मना है, ऐसा बोर्ड पे लिखा है। चलो अब माफी मांगो। चलो अभी बता,
ये तो वही लड़का है। एक लड़की के साथ कैसे बात करते हैं? इतनी भी तमीज नहीं है तुझमें? नहीं है। और रात के 12 बजे कौन सा स्कूल खुला रहता है? तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है? नहीं, मैं हूँ महिला पार्टी की लीडर। चुप। अगर तुम लेडीज पार्टी की लीडर हो ना तो मैं जेंटलमैन पार्टी का लीडर हूँ। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। और मैं डेप्यूटी सेक्रेटरी। और मैं नंबर वन। और मैं नंबर टू। सेक्रेटरी नंबर टू। अब सॉरी बोलेगी। ये सब के सब शराब के नशे में धुत है। एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। सिर्फ पुलिस ही क्यों, मिलिट्री को भी बुला लो। पर मैं तो तब तक ऐसे नहीं लूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी। चलो सोल्जर्स। यस बॉस। यस बॉस। टेक पोजीशंस। करेक्ट बॉस। गुड नाइट। टेक पोजीशंस और सो जाओ। अबे विक्की, ये क्या हाल बना रखा है? तेरे कपड़े कहाँ गए भाई? हाँ, अबे मेरी बात छोड़, पहले अपने आप को देख, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। हमारे कपड़े कहाँ गए? अबे उठ, घोड़े बेच के सोया, उठ जरा। तुझे कुछ फर्क भी पड़ता है? कहीं पर भी सो जाता है। अरे बाप रे, तू बिना कपड़ों के? अबे खुद को देख, तू भी ऐसा ही है। अबे उठना गधे, तक सो रहा है, जा। लगता है हम लोग पुलिस स्टेशन में भाई। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। मैडम, मैडम। क्या है? इस देश का फ्यूचर है मैडम, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बताइए ना हमने क्या किया है। मैडम, मैडम आपने हम सबकी पैंट उतार ली, लेकिन आपने इसकी पैंट छोड़ दी, ये तो चीटिंग है। क्योंकि उसने पैंट के अंदर कुछ नहीं पहना था। वो तो मैं बचपन से ही नहीं पहनता हूँ। मैडम, मैडम, सिस्टर, सिस्टर, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम शरीफ बच्चे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि महिला पार्टी की लीडर के साथ क्या हुआ। अरे यार, हम टीवी पे हैं। मैं तो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना। शक्ल से बिल्कुल शरीफ दिखने वाले ये लोग वो गुंडे हैं जो ना सिर्फ लड़कियों की गाड़ियाँ रोक के उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि उनका कीमती सामान भी छीन लेते हैं। और अगर कोई लड़की मना कर दे तो ये बदमाश उनका रेप तक करने में नहीं हिचकिचाएंगे। पर कल इनकी बाजी इन्हीं पर उल्टी पड़ गई जब इनका सामना महिला पार्टी के लीडर से हुआ। पहले इनकी खूब पिटाई की गई और फिर इन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने इनको पकड़वाने में हमारी मदद की है, ताकि सारी लड़कियां ये जान सके कि ऐसे बदमाशों का क्या हश्र करना चाहिए। ये लो, शराब की बदबू आ रही है, इन्हें पहन के बाहर आ जाओ, जल्दी करो। तुम्हारा भाई कितना अच्छा इंसान है, फिर भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मिस्टर राजशेखर, सिर्फ आपके कहने पर मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, ताकि इनका फ्यूचर खराब ना हो। वो पार्टी लीडर मेरी दोस्त है, मैं उसे संभालूंगी। शुक्र मानो अभी FIR दर्ज नहीं हुई, मीडिया से मैं बात कर लूंगी। Okay, yes, 405 जी मैडम, इनका स्टेटमेंट ले लो और फिंगरप्रिंट्स लेके इन्हें छोड़ देना। Okay, मैडम, चलो। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक लड़की की मदद से बहुत आगे जाऊंगा, तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, पर ये नहीं पता था कि चक्की पीसनी पड़ेगी, वो भी पुलिस स्टेशन में सारे कपड़े उतार कर। हमारी कुंडली में कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी तेरे साथ हम भी फंस गए। भगवान ऐसे दोस्त कभी किसी को ना दे। अब कुछ ऐसा वैसा मत करना मेरे भाई। अबे चुपचाप बैठना यार। बोलो मेरी जानू। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। टीवी पे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुनो तो सही। मैं थप्पड़ मारूंगी। मैं घर आता हूँ, बात करेंगे। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स? अरे सुनो जानू, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम क्या बोल रहे हो? जानू, जानू सुनो ना। वही हो? एक्सक्यूज मी, पेन प्लीज। अरे कौन हो भाई? मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। सुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हमें टीवी पर देखा होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सही कह रहा है। इसकी तो
ए, ना तो कोई ऑटोग्राफ मिलेगा ना कोई फोटोग्राफ, चल निकल यहाँ से। तू चुप बैठ मच्छर, ये मैन टू मैन टॉक है, मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। देखा तूने, उस लड़की ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुझे बदनाम कर दिया। आखिर वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। तक कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो? Excuse me? एक कान के नीचे दूंगा ना तो सारे दांत टूट जाएंगे। ए, ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने जो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दी? ए मिस्टर, हाथ में रहो वरना इसकी भी न्यूज बन जाएगी। इज्जत का कचरा करने के बाद अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? क्या कहा था कि हम एक नंबर के गुंडे बदमाश हैं? भूल गई जब उस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडे और बदमाशों से बचाया था? तो क्या मुफ्त में बचाया था? पूरे 1000 रुपए लिए थे और बीच सड़क पे छोड़कर चले गए थे। कितने घटिया इंसान हो। तो उस दिन का बदला लेने के लिए तुमने हमें गली का कुत्ता, शराबी, रेपिस्ट, पता नहीं क्या क्या बना दिया। महिला पार्टी के लीडर ने जो हमारे साथ किया था वो कुछ नहीं। ए, तुमसे तो जो भी शादी करेगा ना वो एक ना एक दिन डिवोर्स दे के ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, आप तमीज से बात कीजिए, मीडिया की पावर जानते नहीं आप। मैं इसे तमीज दिखाऊं जिसे खुद तमीज नहीं है? तुमको बोल के क्या फायदा, पहले तो उसको मारना चाहिए जिसने तुमको नौकरी दी। अब सुनो, आज शाम को 7 बजे की न्यूज में अपनी सारी गलती मानकर मुझे बेकसूर साबित करना, वरना मुझे असली बदमाश बनने में टाइम नहीं लगेगा। कल की न्यूज पढ़ने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। बढ़िया, समझा देना इसे। बुलाता हूँ उसे। हेलो, जरा गार्डन के पीछे वाली रोड पे आना, कुछ बात करनी है। ओके ससुर जी। क्या हुआ यार, लगता है ससुर जी को इस मामले की भनक लग गई। डर मत यार, लगता है तेरी किस्मत चमकने वाली है भाई। अरे जेल में गया तो क्या हुआ भाई? हाँ। भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था। Correct. सुन मेरी बात, मान ले तेरी किस्मत बदलने वाली है। नो टेंशन, तू जा। हाँ यार, जल्दी जा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब लोग आ गए हैं? सब आ गए सर। आर्किटेक्ट? हाँ वो भी आ गए। ठीक है, उससे कहो मैं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है सर। आओ आओ। नमस्ते ससुर जी। जेंटलमैन पार्टी के सेक्रेटरी। ससुर जी आपने यकीन कर लिया? अरे वो तो सब झूठ था, देखना आज शाम की न्यूज में सब कुछ साबित हो जाएगा। मैंने अभी चैनल ऑफिस में बात की। ससुर जी आप भी ना इन फालतू चैनल्स पर भरोसा मत कीजिए, ये तो नकली खबरें बनाते हैं। कहीं तुम्हारा असली चेहरा तो नहीं सामने आ गया? ससुर जी मैं आपको सब बताता हूँ, मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता होने की खुशी में मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे थे, और तभी दोस्तों ने कहा सिर्फ कोला पीने में वो मजा नहीं है जो माजा मिलाकर पीने में है, तो हमने उसमें माजा मिला दी। अब पता नहीं दुकान वाले ने माजा की जगह दूसरा क्या मिला दिया था, हम सबके सर घूमने लग गए ससुर जी। देखो मुझे ये तो पता था कि तुम शराब पीते हो, पर इतने बड़े झूठे हो ये नहीं पता था। देखो ये सारी जायदाद मेरी बेटी की है, पर इसमें अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं ये कसम खाता हूँ कि मरता मर जाऊंगा पर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ नहीं दूंगा। ससुर जी आपको अपनी बेटी मुझे नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर मेरी इज्जत की धजिया तो मत उड़ाइए। थैंक्स। बटन बंद करो। यकीन कीजिए मेरी कोई गलती नहीं है। चलो एक और मौका देता हूँ तुम्हें, तुम कहते हो ना कि तुमने कुछ नहीं किया, तो ये बात वो रिपोर्टर भी जानती होगी, उसे लेकर आओ, अगर वो तुम्हारी शराफत का सर्टिफिकेट दिखा देगी फिर सोचेंगे क्या करना है। ससुर जी बकवास कर रहा है बे, मैं क्यों जाके उसको सॉरी बोलूं? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तू तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है? अबे साले आज के जमाने में 100 रुपए कमाना भी इतना मुश्किल है, और इस महाशय को एक खूबसूरत लड़की के साथ उसकी करोड़ों की जायदाद भी मिल रही है और इसको इतना सा करने नहीं होता। तो तुम लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूं? उसे इतना सुना के आया हूं कि अगले 7 जन्मों तक वो मेरी शक्ल नहीं देखेगी, ऊपर से उसे इस बात के लिए मनाना कि मैं शरीफ हूं, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। देख बे, अगर लड़की का दिल जीतना हो तो दिल खोल के उसकी तारीफ कर। तू एक काम कर, उसे किसी तरह यकीन दिला कि तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू एक अच्छा इंसान है। I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you. I wanna follow, 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 follow you.
हे, देखो पीछे कौन आ रहा है। अरे छोड़ ना, पर वैसे ही हमारा पीछा कर क्यों रहा है? पता नहीं। अरे तुम और यहाँ अब, सॉरी ये बैंगन कहाँ से टपक गया? वैसे तुम दोनों यहाँ कैसे? अब इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो समझे। पिछले 3 दिनों से पालतू कुत्ते की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? तुम मुझे कुत्ता कह लो या बिल्ली कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी हो, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अपने उसी पाप को धोने के लिए मैं गंगा जी में डुबकी लगा कर आया हूँ विदाउट सोप एंड शैम्पू। अब तुम मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। अपने सॉरी को अपने पास ही रखो, उस दिन तो बड़ा धमका रहे थे, आज क्यों तारीफ कर रहे हो? क्या कहा, तारीफ? इनकी तारीफ या तुम्हारी तारीफ? हाँ? अच्छा बताओ कौन सी लैंग्वेज में तारीफ करूं? जिस लैंग्वेज में धमकी दे रहे थे उसी में तारीफ करो। तब तो सिर्फ गालियां ही निकलेंगी। ओके, तुम्हारा चेहरा है जैसे खिलता गुलाब, तुम्हारी आंखें जैसे एलईडी टॉर्च, तुम्हारे होंठ जैसे मिक्स्ड फ्रूट जूस, तुम्हारी बॉडी किसी मॉडल के बॉडी से कम नहीं लगती, तुम्हारी टांगे तो मुझे भाग मिल्खा भाग की याद दिलाती हैं। अगर मैं सच कहूँ तो तुम कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लगती हूँ, क्यों है ना? कौन कमबख्त ये कहता है? अरे तुम तो देवी हो देवी, और तुम तो एक क्या 10 लोगों के घर एक साथ बसा सकती हो। 10 लोगों का क्यों, कम है क्या? सॉरी, ए फ्लो में कुछ कम निकल गया होगा। तुम्हें पसंद आया कि नहीं पता नहीं, पर तुम्हारी दोस्त तो बहुत एंजॉय कर रही है। तुम ना जिंदगी में कभी किसी लड़की की तारीफ मत करना। अरे okay? मेरी बात तो सुनो। हाँ। नैना मेरी बात सुनो ना। ए नैना, देखो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि एक लड़की के लिए क्या लेकर आते हैं। सॉरी, ये मेरी है, तुम्हारे लिए ये है। अगर किसी फिल्म में ये एक्टिंग की होती ना तो तुम्हें डेफिनेटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया होता। अच्छा, वो कैसे? जिस दिन से मिले हो तब से एक्टिंग ही तो कर रहे हो, इसीलिए। आइसक्रीम लाने में कैसी एक्टिंग? तो फिर तुम इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? डर गए कि कहीं फिर से न्यूज़ ना बना दूं? मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ की तो बैंड ही बज गई है। मुझे बस तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट? अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो जाकर अपने स्कूल में कॉलेज में कहीं से भी ले लो। उनके सर्टिफिकेट से ज्यादा तुम्हारा सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब तुम्हारे इस फोन को तुम्हारे पैर समझ के माफी मांगता हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। बस एक बार मेरे ससुर जी को कह दो कि मैं निहायत ही शरीफ इंसान हूँ, मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा रहम करो ना मुझ पर। अच्छा, इसीलिए तुम 3 दिन से लगातार मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, इसीलिए था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूंगी कि तुम अच्छे हो। मतलब आखिर एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन कैसे हो सकती है? नॉनसेंस। ए नैना, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छा कहूँ तो सच में ये साबित करके दिखाओ, फिर मैं कहूँगी कि तुम अच्छे हो, समझे? छोड़ दो मेरे बच्चे को। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। ये एक साइको किलर है जो किसी भी वक्त उस बच्चे की जान ले सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? उसे कुछ मत करना। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, ये फरिश्ता बन के आया और मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू मैडम। आखिरकार हमने उस बच्चे की जान बचा ही ली। एक कैमरामैन की कोशिश से वो किडनैपर पकड़ा गया। कैमरामैन के साथ मैं हूँ नैना, जनश्री न्यूज से। ये चलो जाओ यहाँ से, पैक अप। प्लीज मेरी बात तो सुन लो नैना, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब तो तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए अच्छी हो गई है ना? तुम्हारे लिए मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं बनता। ए, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो और क्या कहूँ, तुम कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो पता है? अभी तक दूसरों के सहारे जी रहे हो। हेलो, माना कि मैं काम नहीं करता पर मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। रोज कितने बजे उठते हो तुम? सुबह सुबह 12 बजे उठ जाता हूँ। उसे सुबह सुबह नहीं, उसे दोपहर कहते हैं। सॉरी। अच्छा बताओ सोते कितने बजे हो? थोड़ा लेट हो जाता हूँ, 8:30 बज जाते हैं। तो उस दिन रात को 12 बजे क्या कर रहे थे तुम वहाँ? वो तो वीकेंड था ना, इसलिए कुछ करते तो होने ही, वाइफ को क्या खिलाओगे? इसलिए तो
पैसे वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर वो पैसे भी खत्म हो गए तो? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? वैसे तब मैं नौकरी कर लूंगा। तो वही नौकरी अब क्यों नहीं कर लेते? अभी क्या जरूरत है? मुझे यकीन तो होना चाहिए कि तुम काम भी कर सकते हो। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। तो फिर इस जन्म में तो कोई नहीं कहेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, भूल जाओ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं काम करूंगा। अभी तुमने ही तो कहा काम करने पर तुम्हारे दोस्त बुरा मान जाएंगे। उन गधों को जो सोचना है सोचने दो, मुझे क्या। पर ये तो बताओ मुझे नौकरी देगा कौन? यस सर, विकी के बारे में बताया था ना, यही है। ठीक है, मैं देख लूं। ओके, तुम निकलो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये मटन बिरयानी भी ना जितनी स्वादिष्ट होती है खाने के बाद तकलीफ भी उतनी देती है। मटन दांत में फंस जाते हैं। मैं रिज्यूमे। नैना ने तुम्हारे बारे में सब बताया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो आपने कहा कि नैना ने सब बताया है। पढ़े कितने हो? न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ सर। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर पहले आप कहते हैं नैना ने सब बता दिया है, फिर घड़ी घड़ी ये सवाल पूछकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ओके, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इसका मतलब बताओ। सर जितने बाल हो उतनी ही कंघी करनी चाहिए। इससे पहले क्या काम करते थे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था सर। शादी के लिए ढूंढो या टाइम पास के लिए, मुझे क्या। ए, सर मैं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते थे तुम? जॉब जॉब। शादी के फंक्शंस में वीडियो शूट करता था सर। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मीडिया कवरेज करना कोई शादी में खड़े रह के दुल्हा दुल्हन की तस्वीर निकालने के बराबर लगता है तुम्हें? जी सर। इट्स अ सीरियस जॉब, इसमें एडवेंचर होता है। जो भी कवर किया जाता है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। दिस इज मीडिया सर। एडवेंचर तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। वेरी गुड। और डेयरिंग तो मेरे खून में है सर। कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की। मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। क्या रही हो? अच्छा एक बात बताओ। क्या सर? ये क्या लगा रखा है सर? क्या सर? क्या क्या सर? हाँ, तुम्हारे सर के पीछे जो फूल बना रखा है वो क्या है सर? क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक करो, ये तो फैशन है ना सर। ये ले लूं? अरे रे, ये तो मैंने झूठी की है, चलेगा? नहीं सर, ये चाहिए। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ले जाओ। थैंक यू सर। वेरी गुड। शादी में प्यार कितना जरूरी है, कल इस टॉपिक पे इसी से डिस्कशन करूंगा। लीजिए मिठाई खाइए। जिस चैनल ने मुझे झूठे इल्जाम लगाकर बदनाम किया था, उसी ने सामने से बुलाकर मुझे नौकरी दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल से मैं उस चैनल का एम्प्लॉय बन जाऊंगा। ये बात मेरे ससुराल वालों को बता दीजिए और ये मिठाई भी भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा मत उड़। शादी का फंक्शन हो या फिर न्यूज चैनल हो, जहाँ भी काम कर ईमानदारी से करना। हेलो, आजकल पुलिस और पॉलिटिशियन से ज्यादा मीडिया वालों का रॉब चलता है, इतना समझ लीजिए। अरे वाह, आखिर अपने भैया से अच्छी नौकरी मिल ही गई तुम्हें। सुना आपने भाभी, ये लीजिए मिठाई खाइए। थैंक्स विकी, लो बेटा। हाँ लेकिन उसके पहले एक महीना टिक कर काम कर, फिर पता चलेगा नौकरी अच्छी या बुरी। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किया वही तुझे काम दे रहे हैं, इसका मतलब समझता क्या होता है? आप ना बस चुप ही रहिए, तुम अपने भैया की बातों पे ध्यान मत दो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक्स भाभी। नमस्कार सर। ये है फर्स्ट लेटर। हाँ, पढ़ो। मेरा नाम रोहिणी है। हाँ। और मैं सकलेशपुर से लिख रही हूँ। अच्छा। सर मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है। थो, 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 थो। प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए, ये इनका सवाल है सर। देखिए मिस रोहिणी, अच्छा होता अगर आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती, बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट सर। हाँ। ओंटी कोप्पल से रंगना। नमस्कार रंगना। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ। जब मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, और अब मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं? शास्त्रों में लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शैतान का होना, सॉरी संतान का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जाओ अपनी बीवी को बनाकर वापस ले आओ, या फिर किसी अनाथाश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। देखिए बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ जैन नगर से जगदीश। मेरी बीवी मुझसे 2 महीने बड़ी है, इस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या वो पूरे 9 महीने में बच्चे को जन्म देगी या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा लेगी, प्लीज मुझे बताइए। देखिए मिस्टर जगदीश, इस समस्या का समाधान आपको चाइनीज कैलेंडर में मिलेगा, बाकी आप कभी ऑफिस आ जाइए, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, समझ गए ना? नेक्स्ट। सर लास्ट लेटर। हाँ। सर मेरा नाम है रवि कुमार। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, मेरी बीवी मुझे सोने की जगह ही नहीं देती, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। देखिए
अगर आप मैट पे सोते तो कोई बात नहीं, अगर आप बेड पे सोते तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। मेरे पास बस यही जवाब है। अबे फाड़ दे उसे। सर, लोगों ने इतने प्यार से ये लेटर लिखे हैं, तो इन्हें मैं कैसे फाड़ सकता हूँ सर? नहीं फाड़ सकते, बिल्कुल फाड़ सकते हैं। नहीं समझे ना? समझो सर, हम इन लेटर्स को फाड़ सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इन लेटर्स को हम ही ने लिखा है और हम ही ने पोस्ट किया है अपने एड्रेस पर। तुम्हें क्या लगता है कि पब्लिक के पास इतना टाइम है जो ऐसे फालतू सवाल पूछे? मुझे पहले से शक था सर कि ऐसा ही कुछ होगा। सुपर्ब सर। देखो, शादी बचाने का पहला उसूल होता है अंदर क्या चल रहा है बाहर पता ना चले, बाकी सब बकवास है। नमस्कार। नमस्कार। शादी में प्यार कितना जरूरी है। थैंक यू, पर क्या फायदा? सर, सर एक मिनट सर, एक्चुअली मुझे भी एक प्रॉब्लम है। मैंने लेटर भी भेजा था, पर जैसे ही मेरे लेटर की बारी आई लाइट चली गई। आज आप मिले हैं तो आप ही मेरा जवाब दे दीजिए। प्लीज सर, मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। सर, देखिए आपकी प्रॉब्लम से कई ज्यादा बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जाने दीजिए। आशा। ओम राम दूताय नमः, ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम वज्रकायाय नमः। मम्मी मम्मी, ये भैया अंकल है जो टीवी पर आए थे। अरे ये तो वही है। बदमाश, पूजा पे ध्यान दो। आशा, आशा। सर जी, सर जी, मुझे आजकल थोड़ी कमजोरी का एहसास हो रहा है, क्या आप मुझे कोई सलूशन बताएंगे जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? आशा सर जी, कुछ तो बताइए। काम कीजिए पुजारी जी, अपने प्रसाद में जहर मिला के खुद ही खा जाइए। ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, ठीक है? आशा, क्या जमाना आ गया है, सलाह मांगो तो मरने की सलाह देते हैं। मुझे तो बहुत जीना है भाई। आशा, एक मिनट रुककर मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। जिस चैनल ने मेरे बारे में गलत रिपोर्ट दिखाई थी उन्होंने ही मुझे बुलाकर नौकरी दी है। तुम भी तो यही चाहती थी ना? बिल्कुल नहीं, जाओ जाकर नौकरी छोड़ दो, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे तुम भी तो। अब जाओ यहाँ से, सब देख रहे हैं। ए, दूसरों की शादी बचाने के चक्कर में कहीं मेरे हाथों से ये सोने की चिड़िया निकल ना जाए। हे प्रभु, थोड़ा संभालना। देवू, कैमरा उठाओ, हमें डॉलर्स कॉलोनी जाना है। माफ करना मैडम, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है। आप राजू को ले जाइए ना। पर राजू ने भी यही बहाना बनाया। अरे हाँ मैडम, हम दोनों को एक ही साथ तो चोट लगी थी ना। सॉरी मैडम। ओ, तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ पता है? देखो, मैं मरना पसंद करूंगा पर ऐसे घटिया प्रोग्राम फिर कभी नहीं करूंगा। पर क्यों, क्या हुआ? मेरी बची खुची इज्जत की बैंड बज चुकी है। कोई और काम हो तो बताओ वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें शूटिंग करना तो आता है ना? हाँ बिल्कुल, तो मेरे साथ कैमरामैन बन के चलो। आहा, उस घटिया काम से तो अच्छा है मैं यही कर लूं। अब जरूर चलूंगा। ये हुई ना बात, चलो उठाओ कैमरा। तुम्हें पता है ना मीडिया कवरेज कैसे करते हैं, सब कुछ कवर करना। ओके, एक मिनट, सब शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, शांत हो जाइए, एक एक करके बताइए प्रॉब्लम क्या है। इस बिल्डर ने हमें वादा किया था कि 40 लाख में हमें घर बना के देगा। इसके लिए हमने 15 लाख रुपए भी दिए थे, पर अब तक ना फ्लैट मिला है और ना ही पैसे। तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। हमने वो भी किया पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो देखो बिल्डर, कैमरा उसकी तरफ घुमाओ। ए, हटाओ ये कैमरा यहाँ से। देखो, उस वक्त इन फ्लैट्स की कीमत भले ही 40 लाख थी, पर अब
करोड़ों में हो गई है। अगर उतनी रकम दे सकते हो तो ये फ्लैट मिल सकते हैं, वरना सब के सब दफा हो जाओ यहां से। इन्हें यहां तक आने किसने दिया? ए, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना शूट मत करो, भगाओ सबको यहां से। देख, तू मुझे कैमरा से शूट करेगा तो मैं तुझे इससे शूट करूंगा। हाँ कर दीजिए शूट, हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। चलिए विकास। तुम ठीक हो ना? पकड़ो इसे। स्कूल में टीचर शाबाशी देने के लिए भी मुझे छूने से डरते थे, और तुमने मुझे धक्का मारा। अब सोचा है तुम्हारा क्या होगा? चलो वहां पर। कैमरा छीन लो इससे। जानता मेरी पहुंच कहां तक है? इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं, यहां तक कि सीएम का भी हिस्सा है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? नैना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना? कांग्रेचुलेशंस, ये बताकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज देखना मत भूलना, समझे? बाय बिल्डर। नैना चलो। बिल्डर गोपीनाथ रेड्डी हमारे न्यूज चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश होने की वजह से सारी जनता रोष में है। वेरी गुड नैना, आज तुमने साबित कर दिया कि मीडिया की पावर के सामने किसी की भी नहीं चल सकती। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अगली बार जब कोई रिपोर्ट कवर करने जाओ तो जितना हो सके उतने लड़ाई झगड़े दिखाओ, ओके? और फिर देखना हमारी जो टीआरपी है ना, वो ऐसे 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 ऊपर तक चली जाएगी, ओके? वेरी नाइस। सर सर, मिनिस्टर साहब का बार-बार फोन आ रहा है। ए, मिनिस्टर का क्या, अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी फोन आएगा तो मैं उसे काट दूंगा, नहीं करूंगा बात। जी सर। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मीडिया की ताकत होती क्या है, ओके? वेरी गुड नैना, आई अप्रिशिएट। सर, इसका सारा क्रेडिट जाता है विकी को। आज की स्टोरी इसकी मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। सच में? मतलब मैंने अच्छा काम किया है क्या? अरे एक बार फिर से कहो ना। हाँ बाबा, 100%। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तुमने तो आते ही कमाल कर दिया। देखो आगे भी ऐसे ही काम करते रहना, बहुत तरक्की करोगे, आसमान छोगे। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके, आगे भी ऐसे ही मेहनत करना, ओके? हाँ सर। ओके 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 नैना, कैरी ऑन कैरी ऑन। क्या बात है सर, आज तो कमाल हो गया। इससे पहले जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो सारा क्रेडिट आप लेते थे, पर इस बार वो क्रेडिट उन्हें दे दिया। अबे अगर इस न्यूज का क्रेडिट मैं लेता ना तो वो लोग मेरे नाम की सुपारी देकर मुझे मरवा देते, और फिर क्या होता? जान चली जाती तो उस क्रेडिट का ताज मेरा भूत पहनता, क्या समझा? जी सर। चल अभी काम पे लग जा, चल। ए, सुनो सुनो सुनो, अब तो तुम मान गई ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? कह तो दिया 100%। तो एक बार मेरे साथ उस लड़की के घर चलकर कह दो ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इतना कह दो कि तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है। ओह यस, अब तो मैं बन जाऊंगा जेंटलमैन। तुम ठीक तो हो ना?
नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, विकास ने कहा कि उस लड़की के डैड से जाकर कहो कि विकास अच्छा लड़का है। तो कह दो ना, उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? किस मुंह से कहूँ, मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। अरे दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। कुंडली वाली बात पूरी होने का वक्त आ गया है। कल से ये सस्ती शराब पीना बंद। तुम लोग भी मेरे ससुर जी के गेस्ट हाउस में आके रहना, बस उससे पहले एक काम जरूर करना। कैसा काम? मैं कोई काम नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो दोस्ती खत्म। सुनो, ड्रिंक, डिनर और अच्छे कपड़े, ये सब कहाँ बेस्ट मिलता है पता करो और मुझे बताओ। अरे यार, उसके लिए तो बैंकॉक जाके अच्छे से मसाज करा के आते हैं। एक बार वहाँ पे जाके ऐश कराएं, उसके बाद जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? बहुत मजा आएगा। बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है यार, हम बैंकॉक को ही यहाँ लेके आएंगे। दूसरों के पैसे ना। ऐश कैसे की जाती है तो कोई तुमसे सीखे, है ना? अभी तो क्या बोल रहे, मतलब शादी के बाद तू इंडिया में नहीं रहेगा? मैंने तो पासपोर्ट भी बनाने दे दिया है। ऐसा है क्या? एक भाई, वहाँ जाने के बाद हमें भूल मत जाना, हमसे मिलने आएगा ना भाई? ए, अबे तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ? मैं पहली फ्लाइट से जाऊंगा तो अगली फ्लाइट पकड़ के तुम सब आ जाना। हम अगली फ्लाइट में क्यों आएंगे बे? उसी फ्लाइट में जुगाड़ करेंगे, ड्राइवर के आजू बाजू बैठ के तेरे साथ ही उड़ेंगे। फ्लाइट में तो क्या मजा आएगा भाई। ए मोटे थूक, इतना हेलमेट वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा, समझा? अबे गधे, क्या कर रहा है? प्लेन में बैठा है, सीट बेल्ट बांध ले। रुक जा। अबे ये पागल कौन है भाई? इसने अपने हेलीकॉप्टर से हमारे प्लेन को ओवरटेक कर दिया। पूछ तो इससे, कौन है ये जिसने इतनी हिम्मत की? कौन है जो हेलीकॉप्टर बीच में घुसा दिया? ए बाहर निकाल, अबे बाहर आ जल्दी, तेरे को सिग्नल दिखाई नहीं दिया, हेलीकॉप्टर रोका नहीं तो। थोपड़ों पे करीबी के 12 बजे हैं, लगता नहीं कुछ मिलेगा। ओम सत्यवंता, भवन में लक्ष्मी जी का ध्यान करो और ये शल जमीन पर जोर से फेंको। इधर उधर मत देखो, जो बोला वो करो। तीन चार आठ, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सारा जोड़ घटाव करके 8 मतलब शनि, पंचवक्र शनि तुम्हारी पीठ पे चढ़ के बैठा है। हाँ? अरे बाप रे, एक ही झटके में अपनी लाइफ पंक्चर हो गई पंचवक्र से। तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, इसकी वजह से कोई बड़ा, मेरा मतलब तुम्हारे पिता की उम्र का इंसान, तुम पर भारी पड़ रहा है। वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देना चाहता है। तुम एक परेशानी ठीक करते हो, वो 10 खड़ी कर देता है। करेक्ट बोला आपने गुरुजी। जब भी मैं शराब पीता हूँ, पता नहीं लड़की का बाप कहाँ से टपक पड़ता है। कहीं ये सब शराब की वजह से तो नहीं है ना गुरुजी? यह परेशानी शराब की नहीं, लड़की की है। एक काम करो, ब्रांड बदल दो और उस लड़की के ब्रांड एम्बेसडर तुम बन जाओ। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। एम्बेसडर? ये तो उसके लिए ऑडी बनने के लिए तैयार है। उसके लिए तो इसने चैनल में नौकरी की है। क्या कहा तुमने, चैनल में काम करते हो? देखो, अगर वो लड़की चाहिए तो ये नौकरी कभी मत छोड़ना। इसी नौकरी के सहारे तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बिल्कुल हैलोजन बल्ब की तरह चमकता रहेगा। बस वो लड़की मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं। संभाल लेना, टीवी पर आ गया तो लाइफ बदल जाएगी। ये क्या गुरुजी, आपने उसे चैनल की नौकरी करते रहने के लिए क्यों कहा? अरे बेवकूफ, वो लड़की से मिले या ना मिले, मेरा इससे क्या मतलब? चैनल में नौकरी करने से मेरा फायदा जरूर है। अगर मुझे किसी भी तरह टीवी पर आने का मौका मिल गया तो देख लेना, मैं वर्ल्ड फेमस गुरुजी बन जाऊंगा। लोग ढेरों पैसे लुटाएंगे मुझसे मिलने के लिए और मैं अमीर बन जाऊंगा।
अश्विनी वो गुड मॉर्निंग वो एंकर को मेरे केबिन में भेजना ओके सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो सर इधर आ जरा यहाँ पूरा ऑफिस मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है तुम क्या सुपरस्टार हो चलो गुड मॉर्निंग बोलो मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर मुंह में छाले पड़े आई एम सॉरी थैंक यू सर एक मिनट सर अगर तुम्हारे मुंह में छाले पड़े हैं तो ये कैसे बोल दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े चलो गुड मॉर्निंग बोलो कम ऑन सच बोलने में कैसा शर्माना सर अभी ये सच बोलने वाली बात किधर से आ गई गुड मॉर्निंग बोलने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कम ऑन से गुड मॉर्निंग देखो सुबह सुबह मेरे दिमाग को गर्म नहीं करेगा मैंने कहा ना आपसे मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर सर क्या बात है अरे देखो ना ये बोल रहे हैं देखो ना नैना मैंने सर से कह दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े हैं उसके बाद भी मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए बोल रहे हैं अब देखो तुम दुनिया की चटर पटर कर रहे हो लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने में तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाउ कम ऑन अब से गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड अब बोलो मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी वेरी गुड अब एक साथ बोल दो गुड मॉर्निंग सर मैं कितनी बार बताऊं मेरे मुंह में छाले पड़े हैं मैं नहीं बोल सकता सर ये दुनिया भर की बकवास कर सकता है लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता समझ में कह तो रहा है सर कि उसके मुंह में छाले हो गए हैं हो सकता सर अरे ए ये क्या विक्की अरे ये क्या कर रहा है भाई तू आज दिन में ही शुरू हो गया अब दिन हो या रात हो गम हो या खुशी हो क्या फर्क पड़ता है यार क्या नया ठीक से बता ना क्या हुआ नैना देखा ना तुमने मुझे धोखा दे दिया क्यों मैंने क्या किया क्या किया मैंने सोचा था तुम मेरे ससुर जी से बात करोगी और उसके बाद मेरी लाइन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी पर कल रात उन्होंने फिर से मुझे शराब पीते हुए देख लिया अब तो ना मैं घर का रहा ना घाट का समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं तुम जैसे बेवड़ों का ना यही प्रॉब्लम है जान चली जाए पर शराब नहीं छोड़ोगे अब क्या सीन है वो लोग लड़की देने को तैयार हैं या नहीं है मुझे तो शक है कि वो लोग तुम्हें लड़की नहीं देंगे इतना सब देखने के बाद कौन अपनी लड़की मुझे देगा अब तुम क्या पूरा चैनल भी अगर उठकर उनके सामने चला जाए यहाँ तक कि पूरा शहर भी कह दे कि मैं अच्छा लड़का हूँ तो भी वो नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये रिश्ता अब हाँ टूट ही गया समझ लो पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अपनी जान की बाजी लगा दूंगा मैं देखो विक्की अगर इस रिश्ते में प्यार ना हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे इसकी जगह अगर तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम जिंदगी भर खुश रहोगे और अगर ऐसा हो गया तो I'll be the happiest person in the world क्या अगर मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई तो तुम कैसे हैप्पीएस्ट पर्सन होगी क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाली लड़की मैं ही तो हूँ हाँ विक्की सच में I'm in love with you मजाक कर रही हो क्या नहीं मैं सच कह रही हूँ You're a gem of a person I mean it Yes मुझे कल तक भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी पर जैसे ही तुमने किसी और से शादी की बात कही मुझे बहुत तकलीफ हुई उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती रित्ति ए अब ये कौन सा नया ड्रामा है ये कोई प्यार नहीं है जेलसी है और तुम जैसी लड़कियों में ये बीमारी तो अक्सर देखने को मिलती है अरे तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ एक ड्रामा है क्या नैना कान खोल के सुन लो सांप और नेवले में कभी दोस्ती होने का चांस ही नहीं है एक तो पहले ही तुम मेरी लाइफ में मुसीबत बनकर आई हो अगर उसी वक्त तुमने मेरे ससुर जी को मेरे बारे में सब कुछ अच्छा बोल दिया होता मेरी लाइफ तो उसी वक्त सेटल हो जाती तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी मेहनत तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए और उस लड़की को अपनी लाइफ से जाने के लिए कर रहा हूँ ओए मरता मर जाऊंगा पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा अरे मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है फिर भी अगर तुमने कोई चाल चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इतनी बड़ी चैप्टर है वो लड़की ए, देख मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका दिल सच में तुझ पे आ गया है इसलिए वो तेरा रिश्ता तोड़ के खुद तुझसे शादी करना चाहती है तुझे प्यार के जाल में फंसा के उस लड़की से दूर करना चाहती थी है ना? देख यार अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ जिस तरह उसने मुझे अपने जाल में फंसाया उसी तरह अगर मैंने भी उसे नहीं फंसाया तो मेरा नाम भी विकी नहीं है हाँ Oh.
सरप्राइज। करोड़पति विकास, आज हम गरीबों के गार्डन में क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ खास बात होगी। मैं जानती हूँ विकी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो इतनी दूर मुझसे मिलने चले आए। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं? ए, तुम प्यार नहीं बल्कि प्यार का ड्रामा कर रही हो। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो तुम्हारी तरह दूसरों की खुशियों के बीच नहीं आते। तुम तो मेरी मदद करने की बजाय मुझे ही फंसाना चाहती हो। सेल्फिश कहीं की। विकास, विकास, मैं मानती हूँ कि प्यार में सेल्फिश हो जाते हैं, पर इस सेल्फिशनेस में भी प्योर लव की खुशबू है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा लव प्योर है? अब तक तो तुम सिर्फ पैसों के सपने देख रहे थे, और अब अचानक ये प्यार की बातें। शायद तुम्हें आज से पहले किसी ने इतना प्यार नहीं किया है, अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। तुम सच में मुझसे मेरे प्यार का सबूत मांग रहे हो? तुमने मेरी अच्छाई का सबूत मांगा था ना, उसी तरह मुझे अपने प्यार का सबूत दे दो। बस सिंपल, इतनी सी तो बात है। तो बताओ मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? वैसे हम एक स्पेशल कवरेज के लिए गोवा जा रहे हैं, वापस आते ही तुम मुझे जरूर प्रपोज करोगे। क्या? मैं तुम्हारे साथ गोवा जा रहा हूँ? अरे क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? नहीं मानूंगा। मेरी नहीं पर बॉस की बात तो मानोगे ना? मेरा कोई बॉस नहीं है, और किसी का बाप भी मुझे गोवा नहीं ले जा सकता। क्या समझते हो तुम दोनों मुझे? सर मैं गोवा नहीं जाने वाला, और वो भी इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। ओ हेलो, उसके साथ तो मैं गोवा हनीमून के लिए नहीं भेज रहा हूँ, न्यूज कवर करने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने टिकट्स भी मंगवा लिए हैं, ऑफिस आकर ले जाना। मैंने एक बार जो कह दिया ना तो बस कह दिया, समझ में आया? सर अगर आपने कह दिया है तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा मतलब नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, तो मैंने भी तुम्हें बस नौकरी से निकाल दिया ना तो निकाल दिया समझो। किसे चाहिए तुम्हारी नौकरी? किसी नौकरी के सहारे तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बिल्कुल हैलोजन बल्ब की तरह चमकता रहेगा। सर जब आपने एक बार कह दिया है तो मैं भला कौन होता हूँ उसे टालने वाला? सिर्फ गोवा ही क्या, आप मुझे कारगिल जाने के लिए कहोगे ना तो भी मैं जाऊँगा। सर वो बस एसी कार का इंतजाम करवा दीजिए। कुछ नहीं सर, वो तो बस मैं जाऊँगा। क्या हुआ, हम जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। एक न्यूज तो ये बनेगी कि तू स्विमिंग करते वक्त डूब के मर गई। हाँ बस कितना भारी है ये। नौटंकी बंद करो और ऑटो वाले को पैसे दे दो। हा? नहीं ओवर एक्टिंग करनी है। ठीक है अब चलें। पर ये कौन उठाएगा? तुम और कौन? लो उठाओ। हे? उससे प्यार करती हो ना तो उठाओ इसे, और साथ में ये भी रखो। इतना चिपक क्यों रही हो, थोड़ा दूर हटो। डर गए? कहीं मेरे प्यार का नशा हो गया तो? रात भर शराब पी के मुझे नशा नहीं होता, तो प्यार का नशा कैसे होगा? दूर हटो। अरे अपने शहर में खबरों की कोई कमी थी क्या जो नई खबरें ढूंढने के लिए गोवा भेज दिया? सब लोग आ गए हैं ना? कंडक्टर एक मिनट, मेरा दोस्त नीचे रह गया है। आइए दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा, चलो चलो जल्दी करो, आओ दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा। अरे भाई ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, तुम चलो बस के अंदर। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई, चले। हाँ हाँ ठीक है चलो। अच्छा। चलो दावनगिरी गोवा। चलो भी बैठो। ओए कंडक्टर कब से चिल्ला रहा था कि बस चलने वाली है, तो तुम नीचे क्या कर रहे थे? अरे रुकी हुई बस में चढ़ने का भी क्या मजा, सोचा था चलती बस में चढ़ जाएंगे पर कंडक्टर ने पहले ही चढ़ा दिया। इतने भारी शरीर को लेकर भागने में बहुत रिस्क होता है। सुनिए रिस्क बिल्कुल ना, ये रस खाने जैसा होता है, सो इजी। पर एक बार तो मैंने प्लेन को भी भाग कर पकड़ने की कोशिश की, पर चार लोग आए और मुझे पकड़ लिया। कोई बात नहीं, प्लेन ना सही, मैं हेलीकॉप्टर तो एक ना एक दिन पकड़ ही लूंगा। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा जब तुम नीचे थे तो उस लड़की ने बस रुकवाई थी, कौन थी वो? अच्छा ओ, हमारी गर्लफ्रेंड है। अब वो जाके बहुत मजे करेगी। तो उसके साथ कौन बैठा है? अरे वो जो बैठा है ना उसका हस्बैंड है। अब और तुम इतने हैरान क्यों हो भाई, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे साथ ही कौन बैठी है? पैसेंजर है। और देखने से तो नहीं लगता कि एक पैसेंजर के साथ बैठे हो तुम, पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है। सही पहचाना, तो पूरी दुनिया भी कहने लगी है, बस तुम ही नहीं मानते हो। अरे तेरी तो। देख भाई अपनी पूरी जिंदगी हम बस दूसरों का ही लव स्टोरी देखता हुआ आया है। हमारी छोड़ो, और तुम अपनी लव स्टोरी में जो कंफ्यूजन है ना उसे दूर करो। मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, जैसे हमारे देश में सब लोग गंगा नदी से प्यार करते हैं ना, ऐसे ही मैं भी इस लड़की से सच्चा प्यार करता था। ओहो। एक दिन वो हमारे पास आकर कहने लगी, डार नहीं मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ,
तो मैंने उसे एक बढ़िया बिल्डिंग में एक नया घर लेके दे दिया, जरा सोचो। फिर एक दिन उसने कहा, डार्लिंग तुमने मेरे दिल में अपना अकाउंट खोल लिया है। तो मैंने उसे इंटरनेशनल बैंक में अकाउंट खोल कर दे दिया। इतना सब करने के बाद भी वो मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम ही हो जो मुझे समझ पाई हो। अच्छा फिर क्या हुआ? एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि उससे प्यार करती है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर उसकी खुशी के लिए मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। यहाँ तक कि इनके हनीमून में भी मैं ही इनकी मदद कर रहा हूँ। पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? वो अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखने वाले हैं। पर अगर बेटी पैदा हो गई तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने स्पेशल चाइना चार्ट बनवाया है। अगर सही जगह पर और सही वक्त पर इनका हनीमून हो गया ना, तो बेटा ही होगा। लगता है हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ इसी के पास मिलेगी। ए, जरा बस रोक, अर्जेंट है। अरे ओ भाई, हेलो। अरे अपने दांत साफ कर रहे हो या गटर? कमाल है। गोवा जाके बहुत मजे करेंगे। अरे भाई मजा आएगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी, नाइट में होगा। मेरी तो पूरी कहानी सुन ली, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तो पूरा दिन बियर पीऊंगा बस बीच में। हम न्यूज रिपोर्टर हैं, एक स्पेशल कवरेज के लिए गोवा जा रहे हैं। एक सेल्फी लू? गोवा जा रहे हो? काम करता हूँ, तेरी फोटो ले लेता हूँ पहले। अच्छा चलो, कम से कम एक अच्छी कंपनी तो मिली। अच्छा गोवा में कहाँ रुकने वाले हो? सोच रहे हैं कि होटल में एक अच्छा सा रूम ले लें। नहीं 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 नहीं, होटल में मत रुकना। मेरे एक दोस्त का रिजॉर्ट है, वहाँ तुम्हें बढ़िया खाना और रहने के साथ साथ अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये तो कमाल हो गया। ओके तुम्हारे साथ साथ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और इनका हनीमून भी अच्छी तरह से हो जाएगा। फ्लैश तो बंद कर दे। वो यहीं आ रहा है। मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा। अबे दिखा क्या हुआ भाई? चुप बैठ। सर मैंने किया क्या? मोबाइल दिखा। ये आदमी छुप छुप के इसकी फोटो ले रहा था, देखो इसमें। फोटो ले रही तो तेरी तो फोटो लेता है, फोटो लेता है, फोटो मेरी ले। सब कुछ डिलीट कर दो। हैं बहुत ज्यादा श्याणा बनता है। ये ले। थैंक्स विकी। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स क्यों? मेहरबानी करना, इसे मेरा प्यार मत समझ लेना। एक तो पहले ही तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे आके फंस चुका हूँ। Listen, tomorrow morning we would like to have two separate rooms. आजाओ, आजाओ. Could you please arrange that for us? दोस्त का शानदार resort. Please be seated. I'll be back in a moment. Yeah. Okay. Thank you. Sure. हाँ. जाओ. कैसे हो दोस्त? बिल्कुल ठीक हूँ. पिछली बार जब तुम आए थे, तो तुमने कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए यहीं पर आऊँगा. आखिर तुम आ ही गए. I'm so happy for you. अच्छा दोस्त, तुमने मुझसे सी फेसिंग रूम मांगा था ना, वही मिलेगा, ताकि रात को तुम अपनी धड़कनों के साथ लहरों की आवाज भी सुन सको। सी फेसिंग रूम मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, वो ना तुम इन दोनों को दे दो। हम साथ रहने या हनीमून मनाने नहीं आए, अलग अलग रूम दीजिए। सुनिए एक काम करिए, सी फेसिंग रूम हमें दे दीजिए, हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। छोड़ो उसका हाथ। मैडम मेरे चार्ट के हिसाब से ये दोनों 3 दिनों तक हनीमून नहीं मना सकते, पर इस गधे को ये बात समझ नहीं आती। एक काम करो, इसे तुम अपने रूम में ले जाओ, उस रूम का किराया मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। देखिए और तुम मेरे साथ चलो। मैं इतना नहीं रुक सकता। यहाँ टॉयलेट कहाँ पर है? हेलो, मैं टॉयलेट की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब कुछ और है। वो बात तुम्हारे भेजे में बिल्कुल नहीं आने वाली, मैं इससे दूर नहीं रह सकता और ना ही ये रह सकती है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो खचाक 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 करके फेंक दूंगा। बात करता है तो हमें एक रूम इनके लिए, एक रूम इनके लिए और एक रूम मुझे चाहिए। रुको मैं कुछ करता हूं। 3 रूम दे दो। ठीक है। अच्छा सुनो, नाम और एड्रेस लिख दो। अभी लिखता हूँ, तुम लोग जाओ, हम साथ ही रहेंगे। बेबी ये सब चल क्या रहा है? शादी में रुकावट तो सुना था, पर हनीमून में रुकावट पहली बार देख रहा हूँ। ये ना लव स्टोरी चल रही है मेरे भाई।
हीरो की जगह विलेन ने ले ली है, बाद में समझूंगा। ओके ओके। ए हे, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम जल्दी से ऊपर आ जाना, जल्दी आ जाना। अरे यार, मुझे इसकी नियत खराब लग रही है। देखो, हमारे बेड अलग अलग लगाना और एक तो बाहर ही लगा देना। इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं रात को इसमें कोई भूत भूत आ गया तो। मन कर रहा अपने बाल नोच लूं। लगेज वहां रख दो। ठीक है मैडम। थैंक यू। वेलकम मैडम। हमारी वजह से तुम्हारे हनीमून पर भी ब्रेक लग गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, बल्कि मेरे यहाँ रहने से तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे यहाँ होने से मैं बोर नहीं होंगी। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी, है ना? पर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हाँ भाई, तुम तो कृष्ण हो जिसके पीछे गोपियाँ पड़ी रहती हैं। मैं तो बस तुम्हारा लगेज देने आई थी, चेंज करके डिनर के लिए आ जाओ। ये ट्रिक मुझ पे मत आजमाना। 10 दिन क्या, 10 जन्मों में भी तुम मुझे नहीं पा सकती। नॉनसेंस। दस जन्म छोड़ो, मेरे लिए तो ये 10 दिन ही काफी है। पता है विकी, इसलिए सारे लवर्स को आना पसंद करते हैं। मुझे क्या घूर रहे हो, वहां देखो वो लहरें कितने प्यार से किनारे को गले लगाकर चूम रही हैं। कितना खूबसूरत नजारा है, तुम्हारा मन नहीं करता कुछ करने का? हाँ, तुम्हें मार देने का मन कर रहा है मेरा। छोड़ो ये सब, मेरी फोटो खींचो ना। ए, सीधी खड़ी रहो ना। ओके। कान के नीचे लगाऊंगा, अच्छे से पोज दो। अरे चुपचाप खड़ी रहो ना वहां पे। अरे क्या, कब से एक ही पोज में खड़ी हो? आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर ठीक से पोज नहीं दिया तो फोटो नहीं खींचूंगा। हाँ, ए ऐसे दांत दिखा के हंस क्या रही हो? मुझे तो कितनी अजीब हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? ये बीच, सफेद चमकती रेत, नीला आसमान, तुम्हें ये सब देखकर क्या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? शरीर में चर्बी कम हो तो चल जाएगा, पर अगर ऊपर का माला खाली हो तो बहुत प्रॉब्लम है, समझे? तुम एक काम करो, थोड़ी शक्कर ज्यादा खानी शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। बस बंद कर दियो या एक कैमरा उठाकर तुम्हारा मुंह तोड़ दो और समंदर में फेंक दूं। उसके लिए तुम इतना टेंशन मत लो, प्यार में गुस्सा आना बहुत ही नॉर्मल बात है। ऐसा प्यार मुझे क्या, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया में ऐसे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अगर यकीन ना हो तो चलो बताता हूँ, आओ। देखो अभी दिखाता हूँ। VIKAS विकास, NAYANA नैना। देखो ये, देखो देखो जरा, ये समंदर भी नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा तो ये बात है, विकास आशा। नहीं 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 नहीं। देखा तुमने, समंदर तो ये भी नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। तुम प्यार के नशे में डूब चुकी हो, एक काम करो, दिन भर यहीं पड़ी रहो ताकि समंदर की लहरें आए और तुम्हें ले जाएं। अच्छा होगा तुम भेज जाओ और मेरा पीछा छूटे।
लोग इस पेड़ को बहुत मानते हैं। यहाँ वो अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पवित्र पेड़ का इतिहास 800 साल पुराना है। यहीं बैठकर महामुनि अमरेंद्र ने अपनी साधना पूरी की थी। इसी जगह पर ये पेड़ लगाया गया और यहीं पर सारे भक्तगण अपनी मन्नत मांगने आते हैं। पर करना क्या होता है? अगर कोई अपने मनपसंद रंग का कपड़ा अपनी इच्छा मांग के यहाँ बांध दे तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो तुम भी यहाँ बांध सकती हो, वो जरूर पूरी होगी। हाँ। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना माना है, काश वो मेरा हो जाए। इतनी दूर से हम ये न्यूज कवर करने आए थे, कमाल। तुम भी ना, इनसे तुम्हें कोई उम्मीद है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना? हाँ सही कहा, लेकिन तुमने क्या मांगा? वो मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये लो। अरे पहले लोगों पर भरोसा करना सीखो, फिर पेड़ पर करना। इस फालतू कहानी के लिए मुझे भी गोवा घसीट कर ले आई। क्या दोस्त, इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे तो और क्या करूं, आज वो राक्षस मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हो रहा है? अरे भाई दिल में दर्द हो रहा है। ठीक से फील्डिंग कर। चिंचा आ गया राक्षस, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। अरे भगवान, उसकी रक्षा करना भगवान। उसे बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला, तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे? हाँ। वो कैसे भाई? बल्ब जब बुझता है तो रोशनी देता है? नहीं बिल्कुल नहीं, पर मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, ये मुझे दो। अबे अरे ये क्या किया भाई, ये बेकार हो गए ना। अब यही बात 3 बार बोलो, खुद ही समझ जाओगे। Can I play a ball? Yeah, okay. ये बेकार हो गए, ये बेकार हो गए, ये बेकार हो गए। टिचका। Oh, अरे बाप रे। Yes. ये भी बेकार हो गया। मुझे छूना मत डार्लिंग। क्यों डार्लिंग? मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम थोड़े शर्मीले हो, पर इस दिन का इंतजार तो हम कब से कर रहे थे ना डार्लिंग। अब मुझसे कैसा शर्माना डार्लिंग। आज कुछ नहीं कर सकता, आज मेरी बैटरी पूरी डेड है, कुछ नहीं कर सकता। कहाँ भाग रहे हो? हटो, पीछे हटो, पीछे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता आज, मुझे माफ कर दो। हटो मेरा शर्ट, चुप, हटो। प्लीज मुझे जाने दो, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बैटरी डेड, बैटरी डेड, बैटरी डेड, बैटरी। उठो ना, स्टूपिड, सारा मूड खराब कर दिया रास्कल। आप ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ बल्ब खराब होता तो हम रिप्लेस कर देते, पर उसका होल्डर ही खराब हो गया है तो हम कुछ ना। सॉरी सर, थोड़ा संभाल के भाई, सब यहीं पे अटैक कर रहे हैं। ये चाबी उस चमगादड़ को दे देना। ओके ओके। और सुनो, तुम मेरा पीछा छोड़ो और उस पागल प्रेमी के साथ अपनी शादी कर लो, तुम समझ गई ना? मैं तो चला, पता नहीं कहाँ पर फंस गया मैं। क्या हुआ, तुम लोग तो 1 हफ्ते के लिए आए थे ना, और ये 3 दिन में ही खाली करके चल दिया। पता नहीं इसे क्या हो गया है, रात को बंदर की जैसे उछल रहा था। भाई क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। भाई जब तुमने मेरी मदद की, कमाल हो गया। अब मैं किसी और के बच्चे की बजाय अपने बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ, कमाल कर दिया भाई। भाई इसी खुशी में मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी देना चाहता हूँ, देखो मना मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा। शर्त है, खाना तुम खिलाओगे, शराब मेरी तरफ से, ठीक है ना? ठीक है, डन। मेरे भाई तुमने जो मेरे लिए किया ना, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता? कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही है। ये तो कागज का टुकड़ा है, इसमें मैंने लिखा है कि मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मैंने ये सब इसमें लिख दिया है।
और ये सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। अरे तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। इन चीजों के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा मत कहो भाई, कुछ चीजें देने के लिए नहीं होती। इसको लेके क्या चाकू मैं? भाई भाई, ये कागज तुमने पानी में क्यों फेंक दिया? अरे उसमें मैंने इतना कुछ लिखा था भाई। अरे पर अब भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है? मेरा कुछ नहीं चाहिए। ये देखो। अच्छा ब्रदर, मेरा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है भाई। इस एड्रेस पे ना अपनी दो अच्छी वाली फोटो मुझे कुरियर कर देना। मंडे और फ्राइडे को मैं वो फोटो अपने तकिए के नीचे रखूंगा और पूजा करूंगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए भाई, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो भाई, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना आज रात को यहाँ से चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारी इस दोस्ती के नाम ये आखिरी जाम हो जाए। ये कौन बोला भाई? बोला भाई, और कौन बोलेगा भाई? गुड नाइट। अरे गुड नाइट भाई। अरे ब्रदर संभल के, ध्यान से जाना, गिर मत जाना। बाय बाय बेबी, आई लव यू बेबी। साला नोटिंगी, मन कर रहा है कि बीच पे चला जाऊं, वहां जाके आराम से खूब सारी शराब पियूंगा। विक्की, तुम अब तक शराब पी रहे हो? रात के 12 बज गए हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है। चलो अब जाकर सो जाओ। अरे बैठो। ये हो गया, सोडा डालो। बस बहुत हो गया विक्की, सोडा डालो। अभी पी जाओ। कौन मैं? ना तो क्या मैं? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इसे पी के दिखाओगी। अरे प्यार करने वाले तो हर सुख दुख बांटते हैं ना, अब अगर तुम शराब पीने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो कल सुख दुख बांटने में क्या साथ? तो क्या मेरे प्यार को साबित करने का यही रास्ता है? यस माय डियर नैना डार्लिंग। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, तुम तो एक ही सांस में घटक गई। तुम अगर मजाक भी करोगे ना तो मैं उसे सच ही मानूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ विक्की। तुम ही कहो, जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है उसे सताना अच्छी बात है क्या? मैं तुम्हें सता रहा हूँ? तुम मुझसे जबरदस्ती कर रही हो, प्यार करो मुझसे प्यार करो। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जरूर तुम्हारे डैड भी इतने ही बहादुर होंगे जितनी तुम हो। रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू योर डैड, हैट्स ऑफ। कूल डाउन कूल डाउन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो डैड? जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है कि मैं डूब कर मर जाऊं। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए मेरे डैड उन्हें पसंद नहीं करते थे, कभी उनका इलाज नहीं करवाया। जब मैं पैदा हुई वो भी एक लड़की, तो उन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो शराब पीकर घर आए और मुझे और माँ को घर से निकाल दिया। ठंड की वजह से मेरी माँ को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने डांट से हमें अंदर लेने की मिन्नतें की पर उन्होंने एक न सुनी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सब अपने साथ दोबारा कभी होने नहीं दूंगी। तब से मैं उस आदमी की परछाई से भी बहुत नफरत करती हूँ, भले ही अब तक
मैंने किसी और के लिए कुछ नहीं किया है, पर मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी जो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा कभी किसी लड़की को परेशान करने की हिम्मत भी ना करे। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बदनाम किया था? क्योंकि तुम पैसों के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, पर बाद में मैंने देखा कि तुम इंसान अच्छे हो। मुझे लगा जो इंसान पैसों से इतना प्यार करता है वो मुझसे कितना प्यार करेगा, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम पैसों को भूलकर मुझसे प्यार करने लगो। तुम नहीं जानते कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि प्यार के लिए किसी को पाना सेल्फिशनेस है, तो हाँ मैं सेल्फिश हूँ। मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फिश इंसान हूँ। प्यार के अलावा मैं और कुछ नहीं समझती। अब कहो तुम पैसों से जितना प्यार करते हो उतना मुझसे भी करोगे? हाँ? तुम कल रात से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, या तो नॉट रीचेबल आ रहा है या फिर स्विच ऑफ। जब भी कोई अर्जेंसी होती है तुम पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। क्या हुआ भैया, कैसी अर्जेंसी? अर्जेंसी मुझे नहीं है, तुम्हारे ससुर जी की बेटी को है, वो शादी करना चाहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी शादी कराने के लिए राजी हो गए। ओह रियली? तुम्हारे आते ही सगाई कर देंगे। तुम आज ही घर आ जाओ। आज ही क्या, अभी आ रहा हूँ। ओके। ये सब क्या है, कैमरा उठाने के बजाय तुम लगेज क्यों उठा रहे हो? ये आधे घंटे पहले ही मैंने इस घटिया नौकरी से रिजाइन कर दिया है। थू, कैमरा की बात करती है। विकी, विकी। देखो नैना, मेरे ससुर जी मेरी और आशा की शादी कराने के लिए मान चुके हैं। आखिर उन्हें मेरी वैल्यू समझ में आ ही गई। तुम अभी उसी लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। अरे यार विकी, मेरे इतना सब करने के बाद भी तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आया? अब भी पैसों से ही प्यार है? प्यार का बोझ उठाने से कई ज्यादा अच्छा है मैं पैसे वाली लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊं। तुम पैसों की चमक में अंधे हो गए हो। दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, उनकी वैल्यू करो। अगर मैं उन चीजों की वैल्यू करूंगा तो मेरी वैल्यू कोई नहीं करेगा। एक बात समझ लो, अगर जेब पैसों से भरी हो तो ताकत भी अपने आप आ जाती है। मेरी ताकत तो तुम ही हो। पर मेरी ताकत पैसा है। देखो, लोगों पर कभी भरोसा मत करना, उनकी वैल्यू तो कभी भी कम हो सकती है, लेकिन पैसों की वैल्यू वो तो हमेशा एक जैसी रहती है। अगर नोट पुराना भी हो जाए तो भी उसे कोई डस्टबिन में नहीं फेंकता। अब मैंने आज तक कोई काम फ्री में नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ लड़कों के लिए। अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाना फिर भी मुश्किल होता है, मगर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियाँ ये काम तो चुटकी बजाते ही कर सकती हैं। इसलिए जाओ, एक अमीर लड़का ढूंढो, शादी कर लो और सेटल हो जाओ। ये प्यार की बातें, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये सब दिमागी बीमारियां हैं और कुछ नहीं। आप वाकई बड़े दिल वाले हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी बेटी की जिद थी कि शादी करूंगी तो आपके भाई से, मैंने तो बस उसकी बात मानी। इधर आओ बेटा, आज से तुम मेरे दामाद हो, याद रखना। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड भी हमारे जैसा होगा। ठीक है ससुर जी। ये चिंदीगिरी भूल जाओ और अब अमीरों की तरह रहना सीखो। ओ अरे हाँ, ये लो, ये है तुम्हारी मनपसंद स्कोडा की चाबी और ये डेबिट कार्ड।
सिर्फ पैसों के सपने देख रहे थे और अब अचानक ये प्यार की बातें। शादी कैंसिल करना चाहते हो? अरे तुम्हें तो पैसा चाहिए था ना, इसलिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया था। देख ये कोई 1-2 करोड़ की बात नहीं है, पूरे 25 करोड़ की लक्ष्मी खुद चल के आ रही है तेरे दरवाजे पर। अरे ऐसा मौका नसीब वाले को ही मिलता है और तुझे तो ये दूसरी बार मिल रहा है, तू उसे भी गंवाना चाहता है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं नैना से प्यार करने लगा हूँ और कुछ नहीं। देख जिंदगी में प्यार कई बार हो सकता है लेकिन शादी शादी एक ही बार हो सकती है। सिर्फ उस लड़की के प्यार में तू इतना बड़ा चांस गवा देगा क्या? इस शादी से तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जिंदगी भर तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तू पैसों से सब कुछ खरीद सकता है क्या? पैसों से मुलायम बेड खरीद सकता है पर नींद नहीं, बीमार हो तो दवाई खरीद सकता है लेकिन सेहत नहीं। ओ, दवाई खाकर भी सेहतमंद रहा जा सकता है और नींद तो गोली खाकर भी आ जाती है। ये बातें तू नहीं तो हमें सिखाई थी ना, अब अपनी बातों से मुकर रहा है तू। लेकिन उसने एक ही हफ्ते में मेरी सारी बातों को गलत साबित कर दिया। यार पहले मैं भी यही चाहता था कि शादी करके करोड़ों का मालिक बन जाऊं, पर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पीछे कुछ छूटता जा रहा है। जो खुशी मुझे नैना के साथ पानीपुरी खाकर मिलती थी वो 5-स्टार होटल में आशा के साथ डिनर करके भी नहीं मिलती। पता नहीं ये प्यार कैसी चीज है यार, जब पास होता है तो समझ नहीं आता पर दूर होते ही याद आने लगती है। तेरे ससुर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुझे क्या लगता है विकास वो तुझे ऐसे ही जाने देंगे? अब चाहे कुछ भी हो मुझे बस नैना चाहिए। ज-
क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल के तुझे सुकून मिल रहा है क्या? तेरी सारी बुराइयों के बावजूद उस भले इंसान ने तुझ जैसे कामचोर को अपना दामाद बनाना मंजूर किया। तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे भाई? इससे पहले कुछ भी होता तो आप मुझे थप्पड़ मारते थे, लेकिन अब तो आप मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। मैं कितना भी लेट आऊं, भाभी मुझे कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर खानदान का दामाद बन गया। यही बात है ना? अरे बेवकूफ, अगर मेरा भाई अमीर बन गया तो हम दोनों को इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी? जानता भी है गरीबी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, देख हमारी जिंदगी। वो सब बाद में देखा जाएगा, मुझे ये शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। जरा रुकिए, उस लड़की के बारे में तो जरा सोचो विक्की। शादी से सिर्फ दो दिन पहले तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो, उनके बारे में सोचो, उन्हें कैसा लगेगा? अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास, क्या जवाब दूं उनको? आप क्यों जाओगे? आपको जाने की जरूरत नहीं है भैया, ये मेरी प्रॉब्लम है। अरे ये मजाल! मत मारिए डैड! मारू नहीं तो क्या करूं इसका? जान से मार दूंगा! डैड मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, इसकी लाइफ का सवाल है। अंकल ये तो आप... तू पीछे हटो, पीछे मत पड़ो। इन्हें मारने दो आशा, इनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। सर आप सिर्फ आज की ही बात सोच रहे हैं, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के बारे में सोचकर कह रहा हूँ, भगवान के लिए ये शादी कैंसिल कर दीजिए। क्या कहा तुमने? कैंसिल कर दूं? अरे बेवकूफ, 8 साल की थी आशा जब इसने साइकिल की जिद की थी, सिर्फ आधे घंटे में 28,000 की साइकिल लाकर खड़ी कर दी थी इसके सामने। कॉलेज में इसने स्कूटी की जिद की, 1 घंटे के अंदर गाड़ी लाकर खड़ी कर दी थी मैंने इसके लिए, तेरे बारे में जानते हुए भी तुझे अपना दामाद बनाना मंजूर किया सिर्फ इसकी जिद पे। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तू कहता है शादी कैंसिल कर दूं? सुन, मेरी बेटी की खुशी से खेलने वाले को मैं छोड़ता नहीं। जानता हूं सर, आखिर आशा आपकी इकलौती बेटी है सर, और ये बेचारी मुझसे प्यार कर बैठी। मानता हूं कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है और बदले में मेरा प्यार भी चाहती है, पर मैं वो चीज कैसे दे सकता हूं जो मेरे पास नहीं है। आज मैं आपको एक सच बात बताता हूं, मैं आपकी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करना चाहता था। पूरी जिंदगी मैं पैसों के पीछे भागता रहा, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी गरीबी में निकाल दी, पूरी जिंदगी एक गैराज को शोरूम में नहीं बदल पाए। ये सब देखकर मैंने सोच लिया था सर कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा। सर मैं आपके पैसों से जितना प्यार करता था उतना आपकी बेटी से नहीं। मैंने कभी भी इसकी पसंद या नापसंद पर ध्यान ही नहीं दिया, पर मेरी नैना, मुझे सब पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझती है सर, वो तो मेरा पूरा ख्याल रखती है सर। सिर्फ शादी कर लेने से कुछ नहीं होगा सर, दिल का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, तभी रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो ये धोखा देना होगा, आप दोनों के साथ ये धोखा होगा। सर एक बाप हमेशा अपनी बेटी की खुशी ही चाहता है, लेकिन वो खुशी मैं आपकी बेटी को नहीं दे सकता, मैं चाहूं भी तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। डैड प्लीज रुक जाइए। तुम चुप रहो। प्लीज। सुन, तूने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। नहीं डैड, नहीं तोड़ा है। प्लीज डैड मत मारिए इसे। लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने सच बोला है, शादी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी भर पछताने से तो ये अच्छा है ना। आपको ये पसंद नहीं था ना, पर मेरी जिद से आप मान गए। मुझे लगा था मैं अपने लाइफ के हीरो से शादी करने जा रही हूँ, पर मुझे क्या पता था ये हीरो नहीं विलेन निकलेगा, ऐसा नहीं सोचा था डैड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं सही कर रही हूँ या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जबरदस्ती की शादी मुझे भी मंजूर नहीं है डैड। ऐसी शादी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को नहीं डैड। मेरी बात मानिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो
रहे ना। I'm sorry, नैना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था। मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुमने हजार बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। I love you, नैना। But I'm sorry, Vicky. जब मैं अपने जिंदा डैड को हमेशा के लिए भुला सकती हूँ तो तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ या मुझे गले लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? या फिर मैंने तुम्हें सताया इसलिए तुम मुझे सताना चाहती हो? तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्यों सताऊंगी? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो क्या? लवर, एक्स लवर, कुछ भी नहीं हो। तुम सही थे विकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर जेब में पैसे हों तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये प्यार व्यार ये सब तो एकदम फालतू की बातें होती हैं, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कहो नैना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नैना मुझसे दूर मत जाओ, मेरे प्यार को समझो। नैना पागल मत बनो विकी, प्यार व्यार मैं नहीं जी सकता, ये सब दिमागी बीमारियां हैं और कुछ नहीं। मुझे ये सब समझ में आ चुका है अब। और तुम कैसे भूल गए? याद है तुमने क्या कहा था? लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि लाइफ हमें कंट्रोल करे। पता है तुम्हारी बात मान के ही मैंने एक अमीर लड़का ढूंढ लिया है, भले ही वो मुझसे 15 साल बड़ा है। तो क्या हुआ, लाइफ में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं लाइफ को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। तुम मुझे प्यार का वास्ता देके परेशान मत करो प्लीज। नैना एक मिनट, नैना नैना पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कल तक मैं भी पैसे को ही भगवान मानता था, इसी वजह से मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, लेकिन अब तुम भी वही कर रही हो इसलिए तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। नैना दुनिया में हर चीज के बगैर जिया जा सकता है लेकिन प्यार के बगैर नहीं। नैना मैं समझ गया हूँ। अभी अभी प्यार हुआ ना इसलिए ये सब कह रहे हो, थोड़ी दिन बाद तुम भी समझ जाओगे कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता विकी। तुम पर ये सब बिल्कुल सूट नहीं करता। जाओ उस लड़की से माफी मांगो और उसे शादी करके सेटल हो जाओ, ठीक है? प्लीज नैना मेरी बात। गुड बाय। दिया दर्द कैसा तूने दिल को मेरे, दर्द कैसा तूने दिल को मेरे, है तू जीवन मेरा तू ही है तू, जीवन मेरा तू ही है तू। दिया दर्द कैसा तूने दिल को मेरे, कह दू जीवन मेरा तू ही है तू। तेरे बिन कैसे जीऊं, तेरे बिन तन्हा सा हूं, जीवन में फिर से आ रहा तू। बिन तेरे तन्हा कैसे जीऊं, अनजाने में अनजाने में गलती हो गई अनजाने में। ये दर्द कैसा तूने दिल को मेरे, कह दू जीवन मेरा तू ही है तू। यारा मैं तो यहाँ तुझसे ही जीना सीखा, मेरी यहाँ डूबती कश्ती आ मुझको थाम ले आ। आंखें यारा मेरी अब तुझसे कहती है, तेरे बिन यारा ये हरदम ही रोती है। आंखों से यारा मेरी नींदें उठी रे, तन्हाई ऐसी है ये यारा मेरे, दर्पण है टूटे टूटे मेरे मन के।
सांसों में है तू ही मेरी बातों में, ये जन्म तुझको सौंपू मांगू रब से तुझको, ना जीना है आराब तेरे बिन मुझको, ना रहना है आराब तेरे बिन मुझको, दर्द की सारी हदें पार हुई रे, जोड़ ले फिर से यारा मर से मन को, कह दे तू यारा मुझको मेरी है तू। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं, जब हम ना कहते तो पीछे पीछे आती हैं, और जब हम नजदीक जाते हैं तो नखरे दिखा के दूर भाग जाती हैं। अच्छा मेरी क्या गलती थी कोई बताएगा? एक बात याद रखना, किसी से इतना प्यार मत करना जितना मैंने किया, समझ रहे हो ना, वरना बर्बाद हो जाओगे रास्कल। अच्छा मेरा तो दिल टूटा है इसलिए शराब पी रहा हूँ और बारिश में भीग रहा हूँ, मेरा तो बनता है, लेकिन तेरे को भीगने की क्या जरूरत है, है? एक्सप्लेन कर अभी, एक्सप्लेन कर, है? अबे तुझे सर्दी लग जाएगी, इधर आ, अपन दोनों मिलके सेल्फी लेते हैं, आजा। अरे इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, आजा। अरे जल्दी आना यार। भाई? अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? अरे दोस्तों। अरे उठो, उठो वहाँ से। चलो। भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रदर, एक बात बताऊँ क्या? तुम्हारा प्यार तो सक्सेसफुल, मेरा फेल हो गया है यार। फेलियर लव स्टोरी बन गई। तो भाई? क्या? अरे क्या? जिनका प्यार सच्चा होता है वो ऐसे खुद को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। चलो गाड़ी में बैठते हैं, बारिश तेज है, चलो। छोड़ो यार, बारिश चाहे कितनी भी तेजी क्यों ना हो, पर जिस दिल में प्यार की आग लगी हो उस दिल की आग को वो नहीं बुझा सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बुझा सकती, नहीं बुझा सकती। जब मुझे प्यार और पैसा दोनों में से एक को चुनना था तो मैंने पैसे को चुना, लेकिन आज मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन वही प्यार मुझसे दूर दूर भाग रहा है, मेरा प्यार मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नैना चाहिए दोस्त, अगर नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे बस वही चाहिए। इतना दुखी मत हो, इतना दुखी होने का कोई फायदा नहीं, वरना उसके प्यार में पागल हो जाओगे और इसकी तरह रास्तों पर भटकोगे। हम लड़के ना, हम लड़के तो बस सिनेमा हॉल के जैसे होते हैं भाई, बिल्कुल सिनेमा हॉल के जैसे, और ये लड़कियां ना, ये होती हैं फिल्मों की तरह भाई, हर हफ्ते आती हैं और चली जाती हैं। अरे मेरी लाइफ तो एक तमाशा बन गई है, काय का सिनेमा हॉल और काय की फिल्म। छोड़ो यार, मैं दिमाग की हमेशा सुनता रहा लेकिन कभी दिल की नहीं सुनी मैंने यार, लेकिन नैना ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, मेरी आंखें खोल दी उसने, ऐसी लड़की जिंदगी से चली जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता। ब्रदर, प्यार खुद चलकर मेरे पास आया और मैंने खुद अपने हाथों से उसे गवा दिया, कितना बदकिस्मत हूँ मैं। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारा प्यार कहीं नहीं गया भाई, यही है वो। नैना, 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 नै
पैसों से खुश रहा जा सकता है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, पर मुझसे ये नहीं हो पाया विकी। सच में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। जरा सोचो नैना, जब मैं अपनी ही बात मांग कर इतना पछता रहा हूँ, तो तुम भला कैसे खुश रह सकती थी। वाह वाह, मुझे लगा था तुम्हारी लव स्टोरी भी देवदास की ही तरह सैड एंडिंग पर खत्म होगी, पर ये तो डीडीएलजे की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब उसकी तरह तुम्हारी लाइफ भी सुपर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट। मैं चलता हूँ मेरे भाई, बाय। जन्मों तक तेरे ही रहूं, मुझसे रूठे कभी भी न तू, तोड़ के दिल